सचमुच मेरी बहुत मदद करते हो। अरे हा? मैंने किचन में तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बनाकर रखा है, उसे खा लो। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। और मुझे भी। लगता है मम्मी बहुत खुश है। भले भाई, आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। क्या आप खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली हैं? हाँ हदौड़ी। तो क्या मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्या तुम इस पत्ता गोभी के छोटे छोटे टुकड़े करके मुझे दे सकते हो? इसमें तो मैं भी आपकी मदद करूँगा। तुम इसके लिए अभी बहुत छोटे हो, गलती से अगर तुमने अपनी उंगली काट ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखा मेरा कमाल, क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से सब्जी काटी है। अब तुम किचन में भी मेरी मदद करने लगे हो हथौड़ी। ओ मम्मी, ये सब तो मेरे दाएं हाथ का काम है। अगर ये दाएं हाथ का काम था तो मुझे क्यों नहीं करने दिया? बाय बाय बच्चों। टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखना। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत खास है और आज फिर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी हथौड़ी। तो चलो धुलाई से शुरू करते हैं। मैं भी धुलाई करूंगा। नहीं शिंजो, इस काम के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। बले भाई। अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी तो तुम मम्मी का काम और बढ़ा दोगे शिंजो, इसलिए ये काम मैं ही करूंगा। आप हमेशा बोलते रहते हो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं भला हो गया, मैं गलती नहीं करूंगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो शिंजो, तुम ये कर सकते हो लेकिन कोई गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तो आज पूरा दिन घर के काम में शिंजो मेरी मदद करेगा। आप सच कह रही हैं मम्मी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मम्मी ये तो छोटा है। तो फिक्र मत करो हथौड़ी, मैं संभाल लूंगी। आखिर वो बेचारा कब से मेरी मदद करने के लिए कह रहा है, वैसे मैं उसका दिल भी तो नहीं तोड़ सकती ना। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। बड़ा मजा आएगा, क्या बात है। मैं तो बस तुम्हारी मदद। मुझे, मैं अपना काम अकेले कर लूंगा, आप जाकर आराम करो। तैयार हो जाओ शिशिमानू। जो हुकुम शिंजो। जल्दी जल्दी। हाँ, परेशान होने से अच्छा मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हैंगर हाजिर है शिंजो। अब